झारखंड का मसीहा वीर शहीद निर्मल महतो 25 दिसंबर 1950 से 8 अगस्त 1987 बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम ही सोगे दास्तां कहते कहते 8 अगस्त सन 1987 का वो दुखद दिन झारखंडी भूले से भी भुला नहीं पाते। झारखंड के इतिहास का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन जिस दिन झारखंड के महान सपूत निर्मल महतो को झारखंड और झारखंडी विरोधी तत्वों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मगर इन महज 37 साल की उम्र तक में ही उन्होंने ऐसे कारनामे करके चले गए थे कि झारखंड के इतिहास में वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। आज समस्त झारखंडियों के दिलों में झारखंड के मसीहा के रूप में स्थापित ऐसे महान पुण्यात्मा वीर शहीद निर्मल महतो को कोटि कोटि नमन। आइए हम सभी उस मसीहा के जीवन के कुछ यादगार पलों को याद करते हुए उनकी जीवनी के बारे में कुछ जानें और उनके संघर्षों व आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। झारखंड अलग राज्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाले झारखंड के सच्चे और वीर सपूत निर्मल महतो का जन्म तत्कालीन बिहार प्रदेश वर्तमान झारखंड राज्य के सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के उल्लियान नामक गांव में 25 दिसंबर 1950 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जगबंधु महतो और माता का नाम श्रीमती प्रियाबाला महतो था। जगबंधु महतो के 8 पुत्र और 1 पुत्री थे जिसमें निर्मल महतो द्वितीय पुत्र थे जो बचपन में बहुत ही नटखट माने जाते थे। निर्मल महतो ने जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तथा जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। पिता के टिस्को की नौकरी से अवकाश प्राप्त कर लेने के वजह से निर्मल महतो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे और घर की आमदनी में योगदान देते थे। सद्दाहन समुख चेहरा वाले कर्मठ निर्मल कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराते थे। शांति पूर्वक तत्काल निर्णय लेना उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। वे नशा के प्रबल विरोधी थे और अंत तक बुरी आदतों के शिकार नहीं बने, जैसे न बीड़ी सिगरेट, न खैनी गुड़ाखू, न दारू पीने का और न ही किसी और तरह की कोई भी कुसंगति का। उनमें बचपन से ही नेतृत्वकारी गुण थे। उनमें कुछ कर गुजरने की ललक हमेशा रहती थी। वे आजीवन अविवाहित रहे। निर्मल महतो छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि लेने लगे थे। 1975 में कुछ झारखंड विरोधी तत्वों से उन्हें मुठभेड़ भी करनी पड़ी और इस कारण अपनी पढ़ाई उन्हें अधूरी ही छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए वे झारखंड आंदोलन में कूद पड़े। अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने झारखंड पार्टी से शुरू किया और एक सशक्त व जुझारू नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वे 1980 के बिहार विधानसभा के चुनाव में लड़े लेकिन विजयी नहीं हो सके क्योंकि सभी झारखंड विरोधी पार्टियां और पूंजीपति मिलकर उन्हें हराने का भरसक प्रयास किया था। झारखंड पार्टी में सन 1978 से 1980 तक रहते हुए वे लगातार ग्रामीणों और शहर के गरीब गुरबों के लिए काम करते रहे। इस समय झारखंड क्षेत्र में खून टकटी हक बरकरार रखने का आंदोलन, जंगल और सुदूर देहाती क्षेत्रों के सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने का आंदोलन, स्कूल निर्माण एवं अस्पताल खोलने का आंदोलन, जंगल से उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य आदिवासियों को मिले, देहात के हाट बाजारों में महसूल वसूली बंद का आंदोलन, कारखानों एवं खदानों में नौकरी पाने का आंदोलन समेत ऐसे कई आंदोलन जारी किए गए थे। इन ऐतिहासिक आंदोलनों के दरमियान पश्चिम सिंहभूम के गुआ बाजार में 8 सितंबर 1980 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विशाल सभा को सरकार की पिट्ठू दमनकारी पुलिस अपनी राइफल की गोलियों से लाशों के ढेर में बदल देती है। इस हृदय विदारक अमानवीय घटना से अत्यंत मर्माहत व आक्रोशित एवं झारखंड पार्टी में आई हुई पतनशीलता को देखते हुए झामुमो नेता श्री शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से वे 15 दिसंबर 1980 को झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधिवत रूप से शामिल हो गए। 18 जुलाई 1981 को जमशेदपुर में झामुमो का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें निर्मल महतो को मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसी दरमियान 21 अक्टूबर 1982 को सुवर्णरेखा डैम चांडल के विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित कराने एवं उन्हें नौकरी दिलाने के लिए क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा द्वारा तिरुलड्डी स्थित चागढ़ प्रखंड कार्यालय के सामने विशाल जन प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। दुर्भाग्यवश एक बार फिर पुलिस की क्रूर बंदूकें तन उठी और गोलियों की बेरहम आवाजों से पूरा इलाका थरा उठा। उस निर्मम गोलीकांड में चांडल स्थित सिंहभूम कॉलेज के 2 क्रांतिकारी छात्र अजीत महतो और धनंजय महतो शहीद हो गए। पुलिस दोनों के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए मानगो जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल ले जाती है।
डर और खौफ का आलम यह था कि शहीदों के पास तक कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में निर्मल महतो ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दोनों शहीदों के पवित्र पार्थिव शरीर को अस्पताल से निकालकर जो ये चांडिल में स्वर्णरेखा नदी के तट पर लाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद निर्मल महतो पर आम लोगों का विश्वास और सुदृढ़ हुआ। 2 जनवरी 1983 को धनबाद में झामुमो का प्रथम केंद्रीय महाधिवेशन होता है और श्री निर्मल महतो को उनके जुझारूपन, कर्मठता एवं कार्यशैली से प्रभावित होकर केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य चुन लिया जाता है। 1984 में वे रांची लोकसभा क्षेत्र और 1985 में ईचगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, किंतु दोनों में विजयी नहीं हो सके। 6 अप्रैल 1984 को बोकारो में झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्मल महतो को झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो के स्थान पर केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार श्री निर्मल महतो को उनकी कर्मठता, लग्नशीलता और पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण अल्प समय में ही पार्टी का सर्वोच्च पद का सम्मान दिया गया। 28 अप्रैल 1986 को झामुमो के द्वितीय केंद्रीय महाधिवेशन में भी दूसरी बार उनको पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। वे जीवन के अंत तक मोर्चा के अध्यक्ष बने रहे। 1 जून 1986 को झामुमो के केंद्रीय समिति की बैठक में उन्होंने ऑयल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन किया और 19, 20 और 21 अक्टूबर 1986 को जमशेदपुर अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन कराकर छात्र संगठन आजसू को थोड़े ही दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर ला खड़ा कर दिया। उन्होंने झारखंड अलग प्रांत आंदोलन को गति प्रदान की और झारखंड के स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सुसंगठित कर उन्हें इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों और नवयुवकों को विश्वास में लिया और उनमें ऊर्जा का नवसंचार करते हुए उन्हें प्रेरित किया कि देश केवल नवयुवक की शक्ति से ही अलग राज्य का सपना साकार हो सकता है। निर्मल महतो ने प्रभाकर तिर्की को आजसू का अध्यक्ष व सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव बनाया। इसके बाद वो खुद झारखंड के कुर्मी आदिवासी छात्रों तथा दलित पिछड़ी जाति के छात्रों और सूर्य सिंह बेसरा ने आदिवासी छात्रों को अपने मत में मिला इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, तभी दुर्भाग्यवश कुछ झारखंड विरोधी तत्वों ने जमशेदपुर में 8 अगस्त 1987 को उनकी हत्या कर दी, जो समस्त वृहद झारखंडियों के लिए एक काला दिन है। इस अत्यंत दुखद घटना के वक्त उनके साथ मौजूद तत्कालीन झामुमो नेता सूरज मंडल द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार सूरज मंडल एवं निर्मल महतो मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ चमरिया बिस्तुपुर स्थित टिस्को गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे। उसी समय एक अम्बेसडर कार से गैर झारखंडी 5 व्यक्ति उतरे। सूरज मंडल को कुछ शंका हुई तो उन्होंने निर्मल महतो से अतिथिशाला के अंदर जाने को कहा। इसी बीच एक हमलावर ने निर्मल महतो को पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने के लिए सूरज मंडल लपके। सूरज मंडल ने छुड़ा भी लिया और पुनः अंदर जाने को कहा। इसी बीच सोनारी का सूदखोर वीरेंद्र सिंह नामक एक कांग्रेसी व्यक्ति ने निर्मल महतो पर 3 गोलियां चला दी। एक गोली उनके मुंह पर, दूसरी गोली पीठ पर तथा तीसरी गोली उनके सीने में लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। निर्मल महतो एक कुशल संगठनकर्ता थे, उनमें अनंत आत्मविश्वास था। वे किसी भी गलत आचरण के खिलाफ आवाज उठाने से डरते नहीं थे। वे आजीवन गरीबों के लिए लड़े, गरीब किसानों और शोषित मजदूरों के लिए लड़े, झारखंडियों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्रदान करने के लिए आखिरी दम तक लड़े। वे शहीद हुए, मगर अपने जीवन में ना कभी प्रलोभित हुए और ना ही किसी तरह का कोई समझौता किए। शोषितों, पीड़ितों एवं गरीबों के साथ ही निर्मल महतुदा का एक ही सपना था कि अपना अलग झारखंड प्रांत हो, ताकि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, विस्थापन, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि आदि के क्षेत्र में झारखंडी स्वावलंबी बन सके और आगे बढ़ सके। विनोद बाबू के पढ़ो और लड़ो के संदेश को आगे बढ़ाते हुए उनकी सोच थी कि देश जीना है तो मरना सीखो, पाना है तो लड़ना सीखो। ये उनके अथक प्रयास, कठिन संघर्ष और बेशकीमती शहादत का ही परिणाम था कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। प्रभात खबर अखबार के वरिष्ठ संपादक श्री अनुज कुमार सिन्हा के अनुसार यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अगर झारखंड का यह युवा नेता निर्मल महतो शहीद नहीं होता तो शायद झारखंड राज्य अभी भी बना नहीं होता।
उनकी शहादत के बाद ही झारखंड आंदोलन ने एक अविस्मरणीय तेज पकड़ा और झारखंड को अलग कराकर ही दम लिया। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के अनुसार शहीद तो अनेक होते हैं, किंतु उसके परिणाम स्वरूप उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में आंदोलन कितनी दूर तक आगे जाता है, यही उस शहीद का गुणात्मक मूल्य होता है। इस अर्थ में निर्मल महतो की शहादत झारखंड में अद्वितीय है। और इस तरह आबुआ दिशुम आबुआ राइज के उद्घोषक व उलगुल्लान के महानायक धरती आबा बिरसा मुंडा का सपना तो पूरा हुआ, उन तमाम संघर्षकर्ता क्रांतिकारी झारखंड आंदोलनकारियों का सपना तो पूरा हुआ, मगर क्या झारखंड राज्य के प्रणेता झारखंड के मसीहावीर शहीद निर्मल महतो और उन तमाम अनगिनत शहीदों का सपना पूरा हुआ? क्या झारखंडियों के 88 साल लंबे निरंतर अविराम कष्टदायक संघर्षों और असंख्य शहादतों का परिणाम झारखंड राज्य का लाभ झारखंडियों को मिल पाया? या कौन लोग झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी झारखंडियों पर राज कर रहे हैं? झारखंडी हक अधिकार के साथ झारखंडी संसाधनों को भी निरंतर लूट रहे हैं। एक सवाल जो झारखंड अलग होने के 18 साल बाद भी आज भी हर झारखंडी के दिलो दिमाग में गूंज रही है कि देश क्या वाकई निर्मलता के सपनों का झारखंड बन पाया? अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों? आइए हम सब मिलकर इस सवाल का जवाब निदान ढूंढे और निर्मलता के सपनों को हकीकत का अमली नामा पहनाने की कसम खाएं। निर्मलता की आत्मा तुम्हें पुकार रही है, दस सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो हे झारखंडियों, उठो जागो और संपूर्ण झारखंड और पूर्ण अधिकार के लिए एक बार फिर एकजुट और संगठित हो, नहीं तो सदा के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार रहो। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहे। जय कुड़मिल, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय झारखंड, जय भारत। सोर्स: शहीदों की याद में। लेखक श्री रामकृष्ण मेहता और झारखंड की समृगाथा। लेखक श्री शैलेंद्र महतो। साभार प्रसेनजीत महतो का छिमा आदिवासी कुर्मी समाज जोहार।